तो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारी एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एम जैसी कार्ड कैसे बना दो। सो यहां पर ये सभी स्टेट में सरकार ने लागू किया है कि आप एम जैसी कार्ड बना करके आप जो इसका लाभ ले सकते हैं अगर आप भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कार्ड को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कैसे बनाना है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। और बताने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर देना है एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन कर लेंगे, ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जा रहे हैं सर्च बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आना है सर्च बार में। सर्च बार में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है उमंग। दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे उमंग, दोस्तों जैसे आप उमंग सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट देखने को मिल जाएगी फर्स्ट नंबर पर .gov के नाम से, ठीक है। सिंपल सा आपको इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर अपना अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर आपको चले जाना है 3 लाइन के ऊपर और यहाँ पर आपको लॉग इन रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर अपने लॉगिन रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहली बार आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट बना लेना है अपना, ठीक है। अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, केवल वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको एक मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP जाएगा। OTP डाल देने के बाद उसको आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर लेने के बाद उसमें यहाँ पर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन सा आपको देखने को मिल जाता है ऑल सर्विस। तो सिंपल सा ऑल सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी यहाँ पर सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा राशन कार्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ दोस्तों इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों हमें एम जैसी कार्ड बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एम, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है MNREGA, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर मनरेगा जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब कार्ड, ठीक है, मनरेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा और यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पर हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देना है, एप्लीकेशन डिटेल। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको फादर का नाम देना है या फिर हस्बैंड का। अगर एक कोई महिला बना रही है तो आप वो अपने पति का नाम यहाँ पर दे सकता है। अगर कोई पुरुष बना रहा है तो वो अपने फादर का यहाँ पर नाम देगा, ठीक है। उसके बाद उसको आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद उसमें यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। देन उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसमें यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद उसमें यहाँ पर आपको पंचायत, पंचायत, ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद उसको आपको विलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसको सोशल कैटेगरी, आप ST OBC जिस में आते हैं या फिर अदर में, ठीक है, OBC में आते हैं या फिर SC में आते हैं फिर ST में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसको नेम ऑफ हेड ऑफ़ द फैमिली, अब दोस्तों यहाँ पर अपने फैमिली का यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप जो है उसके बाद नॉमिनी बना सकते हैं। उसके बाद उसको यहाँ पर आपको जो है अप्लीकेशन डेट रह जाएगी। उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें यहाँ पर आपको फिलअप करना है। राशन कार्ड नंबर डाल के दोस्तों यहाँ पर अब आपको आ जाना है, यहाँ पर एप्लीकेशन डेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद उसको आपको जनरल में यहाँ पर आपको मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर में आपको अपना मेल या फीमेल, अगर आप यहाँ पर पुरुष हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप मेल डालिएगा, अगर महिला है तो यहाँ पर फीमेल डालिएगा। उसके बाद उसमें यहाँ पर एज आपको अपनी जो जन्मतिथि है वो यहाँ पर डाल देना है और डिसेबिलिटी में यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर, और उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद उसमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है और रिलेशनशिप दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, आप अपने लिए कर, आप स्वयं कर रहे हैं या फिर दोस्तों दूसरे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये रख सकते हैं। उसके बाद उसको अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है इसके बाद अप्लाई फॉर जॉब कार्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे अप्लाई फॉर जॉब कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसको आपका एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो उसको आप स्क्रीनशॉट से लग सकते हैं या फिर उसका जो है उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद उसको आपको पैसे पता चलेगा कि आपका स्टेटस कैसा है, ठीक है, स्टेटस आप अपना चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस कैसे चेक करना है, यहाँ से थोड़ा सा बैक आएंगे, ठीक है, बैक आने के बाद उसी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं डाउनलोड जॉब कार्ड, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर डाउनलोड जॉब कार्ड, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, चाहे आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं या फिर जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि जॉब कार्ड नंबर अभी आपके पास है नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है। या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैक जॉब कार्ड के स्टेटस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, रेफरेंस नंबर डालना है और यहाँ पर ट्रैक पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपका स्टेटस शो करेगा। और यहाँ से दोस्तों आपका जो है यहाँ पर डाउनलोड जॉब कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जब कार्ड बन जाएगा तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले मैंने आपको बता दिया डाउनलोड का। तो यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ट्रैक जॉब कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपना पहले स्टेटस चेक करना है। और जब यहाँ पर आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ट्रैक हो जाएगा, तब उसके बाद उसमें यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कार्ड नंबर डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी